चलिए रुक करते हैं बड़ी जानकारी की ओर। कैथल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चूहड़ माजरा गांव में एनआईए की रेड। प्रदीप के घर एनआईए ने छापेमारी की है। सुबह 5 से 9 बजे तक कार्रवाई चली है। पंजाब के एक गैंगस्टर से संबंध की आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पंजाब के एक गैंगस्टर के संबंध की आशंका जताई जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। तो कैथल से जानकारी, चूहड़ माजरा गांव में एनआईए की रेड। प्रदीप के घर एनआईए ने छापेमारी की है। सुबह 5 से 9 बजे तक कार्रवाई चली है। यह बड़ी जानकारी कैथल से। पंजाब के एक गैंगस्टर के संबंध की आशंका। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ज्यादा जानकारी के लिए अनिल चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देखिए, सुबह 5 से 9 बजे तक ये पूरी कार्रवाई चली है एनआईए की रेड। क्या जानकारी, अभी क्या अभी भी रेड चल रही है? हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज सुबह जो है लगभग 5 बजे के आसपास एनआईए की जो टीम है और पुलिस बल जो है सर्च वारंट लेकर गांव सोलू माजरा के अंदर सोलू माजरा के अंदर पहुंचा, जहां पर जो है उसको देखकर गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके बाद जो है लगातार लगभग 4 घंटे तक जो है रेड चली है। रेड के दौरान जो है गहनता से पूछताछ भी हुई है और तलाशी भी ली गई है। बाद में जो है उसके भाई जो प्रदीप के बड़े भाई है कुलदीप, उन्होंने ये बताया है कि कोई पंजाब का गैंगस्टर है, उससे संबंध रखने और कोई हवाला का कारोबार के चलते जो है उन्होंने रेड की थी। हालांकि उसका ये भी कहना है कि इस रेड की जांच के दौरान कुछ नहीं मिला है और जो एनआईए की टीम है कुछ उनके दस्तावेज वगैरह उन्होंने चेक किए हैं, बैंक अकाउंट वगैरह चेक किए हैं। कोई अनवांटेड जो थी ट्रांजेक्शन किसी प्रदीप के खाते में हुई थी और गलती से जो है टीम वहां पर पहुंची थी। हालांकि अब जो है टीम जा चुकी है और जो दोनों भाई हैं उनको अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि उसके पास कोई ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं और अब जो है टीम वापस लौट चुकी है। जी बिल्कुल। तो अनिल, आसपास के लोगों से कोई पूछताछ हो पाई हो, कुछ निकल करके सामने आया? जी, निकलने में यही आया कि जो टीम थी कोई गलती से, कोई प्रदीप दूसरा नाम था, दूसरे प्रदीप की वजह से जो है एनआईए की टीम ने जो है वहां पे रेड की थी और उसको ये आशंका थी कि हवाला के कारोबार से ये जो प्रदीप चूहड़ माजरा का प्रदीप था वो जुड़ा हुआ है, किसी गैंगस्टर के संबंध है। लेकिन जांच के बाद जो है कोई ऐसा जो क्लू है तो वो टीम को नहीं मिला, उसके बाद जो है टीम बैरंग वापिस लौट गई। जी तो अनिल, घर से कोई दस्तावेज बरामद हुए हैं या कोई कागजात? देखिए, इसमें कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुए हैं। हालांकि एनआईए की टीम ने जो है उनके बैंक अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट भी खंगाले हैं, उनकी कॉपी जो है चेक की है और उनके अकाउंट वगैरह जो नंबर है वो साथ में लेकर गए हैं। हो सकता है मतलब वापस जाने के बाद जो है अकाउंट की जो है चेकिंग की जाए। हालांकि अभी तक जो है अभी कोई ऐसा साक्ष्य जो है एनआईए की टीम को नहीं मिला है। जी बिल्कुल। अनिल, देखिए, पंजाब के गैंगस्टर के संबंध की भी वहां पर आशंका जाहिर की जा रही है, कोई नाम सामने आया है? देखिए, अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ मतलब उन्होंने बताया, आशंका जताई है कि उनके साथ उनका लिंक हो सकता है और हवाला का जो कारोबार है उसका भी जो है हवाला दिया गया है। लेकिन अभी तक जो है एनआईए की टीम को ऐसा कोई क्लू जो है वो नहीं मिला है और इसी के चलते जो है टीम वहां पर गहनता से पूछताछ के बाद वापिस लौट चुकी है। बिल्कुल। तो अनिल, कुछ पूछताछ में निकल करके सामने नहीं आ पाया, क्या आने वाले दिनों में भी रेड पड़ सकती है? देखिए, ये इसके बारे में तो जो है भविष्य ही बता सकता है क्योंकि एनआईए टीम को जो है कोई ना कोई आशंका मिली होगी, इसी के चलते कैथल पहुंची होगी। लेकिन जो परिजन है, परिजनों का जो है उन्होंने हमारे से यही कहा है कि कोई गलत जो क्लू है वो उनको मिला था, प्रदीप जो है कोई और प्रदीप था और उस प्रदीप के चक्कर में जो है चूहड़ माजरा के अंदर टीम पहुंची थी। जी चलिए, शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी साझा करने के लिए।